जय हिंद, वेलकम टू ऑल। हम लोग कर रहे हैं एवरेज क्लास और इस टॉपिक के बारे में हम आपको समझा चुके हैं वेटेड एवरेज क्या होता है और डेविएशन मेथड क्या होता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और यही आपका समय बचाएगा, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सारे के सारे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है। क्वेश्चन क्या है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है तो 18वीं संख्या क्या है, ठीक है। चलिए पहले पैटर्न समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है टोटल 35 नंबर है, टोटल कितना है 35 नंबर है। ये बोला है शुरू का 17 नंबर मान लेते हैं कहीं यहाँ पर होगा और लास्ट का 17 नंबर ये यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी 17 प्लस 17 34 हो गया, यानी बीच का जो एक नंबर है यही आपको फाइंड करना है। आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, पैटर्न समझ गए होंगे। ये आपका 18th नंबर फाइंड करना है। आप यहाँ पे दो तरीका सॉल्व कर सकते हैं, एक तो है डेविएशन मेथड जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा है बेसिक। तो आपको हम दोनों तरीका बताएंगे जो आपको अच्छा लगे। पहले स्टार्ट करते हैं डेविएशन मेथड से। आप एक बार जानते हैं इसमें कि डेविएशन मेथड में करते क्या हैं। इसमें हम करते हैं एवरेज से कंपेयर करेंगे और नेट डेविएशन को जीरो करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर है 35 और इसका एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना है 22। ये बोला है फर्स्ट 17 नंबर, यानी फर्स्ट 17 नंबर इसका एवरेज कितना है 19 है और ये लास्ट 17 नंबर का जो एवरेज है ये कितना है 20 है। तो आपको निकालना क्या है, 18 नंबर क्या है यानी 18वां नंबर क्या है, यही आपको निकालना है। देखिए 35 नंबर है, इसका एवरेज 22 है, यानी हर एक नंबर 22 22 22 22 के बराबर होगा तभी इसका एवरेज 22 के बराबर आएगा। यानी 18th नंबर का भी एवरेज कितना होगा, 22 के बराबर रहा होगा, बिल्कुल रहेगा। अब क्या करते हैं हम इसमें करते हैं एवरेज से कंपेयर। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, ये इसका -3 है, -3 है। और टोटल नंबर यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर है 17, इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -51। आई थिंक इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, इतना तो सब कुछ समझ रहे होंगे। अब करेंगे हम इसको इससे कंपेयर, ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है -2 और टोटल नंबर कितना है यहाँ पर, ये है 17, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, ये कितना हो जाएगा -34। 51 और 34 को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, -85। अब आप जानते हैं कि नेट डेविएशन को जीरो करना है तो करना क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है, 85 ऐड कीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो बस जो ये नंबर है इसमें 85 ऐड कीजिए और आपका फाइनल जो आंसर है वो आपके सामने है, ये हो जाएगा 7107, इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो करना क्या होगा, आपके पास टोटल 35 नंबर है, 35 नंबर है, इसमें से दोनों नंबर जो 17 है और यहाँ पे 17 है दोनों को ऐड करके माइनस करना होगा, यानी -34 करेंगे तो एक नंबर निकल जाएगा और यही आपको फाइंड करना है। चलिए तो आप जानते हैं टोटल नंबर में अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल जाएगा, तो टोटल नंबर ये रहा 35, इसका एवरेज दे रखा है 22, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और माइनस कर लेंगे इस दोनों के सम से, ठीक है। तो -17 × कितना इसका एवरेज है 19 और -17 × 20। ओके देखिए इसको भी सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके इस 35 को आप लिख सकते हैं 17 + 17 + 1 × 22, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 × 22 करेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 17 × 22 करेंगे ये हो जाएगा 17 × 22 और यहाँ पर 17 × 22 करेंगे ये हो जाएगा 17 × 22। अब क्या करते हैं इसको ले आते हैं इसके पास, ये माइनस का 17 है, -17 × 19 और ये कितना है -17 × 20, ठीक है। ये हम इसलिए किए क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 17 है और यहाँ पर भी 17 है, ये कॉमन निकल जाएगा। ओके तब कॉमन लीजिए, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 17 दिख रहा है, इस दोनों को एक साथ रखिए, ये 22 तो रहेगा ही रहेगा, 22 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का 17 कॉमन ले लेते हैं, 17 ले कॉमन, ये देखिए 22 है यहाँ पर, ये है -19, डिफरेंस कितना का आएगा 3 का आएगा, प्लस का 3 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 17 है और 22 है, यहाँ पर 17 है और 20 है, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं 17, ये है 22 और ये है 20, -20 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये है 22 + 17 = 51 51 और 17 × 34 34, इस दोनों का सम कीजिए ये कितना निकलेगा 85,
तो देख सकते हैं जो आप डेविएशन मेथड लगाए हैं वो सेम टू सेम रिजल्ट आपके सामने है। यही तो रिजल्ट आया था, इसका आंसर कितना है 107। लेकिन यहाँ पर भाई क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा लेंथी कैलकुलेशन है और डेविएशन मेथड में से कोई कैलकुलेशन नहीं था। ओके, तो जो आपको अच्छा लगे, हालांकि बेसिक मेथड से नहीं जाना है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सेम टू सेम पैटर्न पे है, बस इसका जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट है। तो अगर आप बेसिक से सॉल्व करने लगे तो फिर आप देख लीजिए पॉइंट वगैरह है कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं डेविएशन मेथड से। पहले समझ लेते हैं इसका पैटर्न क्या सेम है। टोटल 65 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है 65 नंबर है। यहाँ पे फर्स्ट 32 है, 32 नंबर है, और यहाँ पे भी लास्ट क्या दिख रहा है, लास्ट 32 नंबर, ये लास्ट 32 नंबर। इस दोनों का सम कितना होगा 64, यानी बीच का एक नंबर है जिसको निकालना है, 33वां नंबर निकालना है। यानी कि शुरू का ये 32 नंबर ले लिया और लास्ट का ये 32 नंबर ले लिया, ठीक है, यानी बीच में जो 33वां नंबर है यही आपको निकालना है। ऑल राइट, पैटर्न सेम टू सेम है, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। चलिए स्टार्ट होते हैं। यहाँ टोटल नंबर कितना दे रखा है 65, ठीक है। इसका एवरेज कितना दिया है, इसका जो एवरेज है ये है 137.8। फर्स्ट 32 है, यानी फर्स्ट 32 का जो एवरेज है ये कितना है 132.6 है, 132.6 है। और लास्ट 32 नंबर कितना है, ये लास्ट 32 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 140.5, 140.5। आपको निकालना क्या है 33वां नंबर, यानी 33rd जो नंबर है ये नंबर है कितना, यही निकालना है आपको। देखिए टोटल नंबर 65 है, इसका एवरेज 137.8 है, यानी हर एक नंबर 137.8 के रहा होगा, इतना रहा होगा तभी तो इसका एवरेज इतना आया है। ओके, तो यानी जो 33वां नंबर होगा वो बिल्कुल 137.8 तो रहा ही होगा, 137.8। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम यहाँ एवरेज को कंपेयर और निकालेंगे डिफरेंस। तो देखिए यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं और इसका डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इससे कितना कम है, ये है माइनस का 5.2। ओके, और टोटल नंबर कितना है 32, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू 32। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे कंपेयर, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है 7, यानी प्लस 2.7। और टोटल नंबर कितना है 32 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे नहीं, इसको हम लेते हैं सेपरेट। चलिए यहाँ 32 दिख रहा है और यहाँ भी 32 दिख रहा है, तो 32 ले लीजिए आप कॉमन, इस दोनों का लीजिए डिफरेंस माइनस 5.2 और प्लस 2.7, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी 2.5, माइनस का 2.5। ओके, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 32 गुना 64 और 16 हो जाएगा 80, माइनस का 80। अब देखिए इसको जीरो करना है, क्यों, क्योंकि नेट डेविएशन जीरो हम करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, प्लस का 80 ऐड करेंगे, तो बस यहाँ प्लस का 80 ऐड कीजिए और आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 0.8, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो देख सकते हैं कितना इजीली सॉल्व हो गया। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 7, 8, 3, 11 और 1, 1, 2, 217.8 आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो भी कैलकुलेशन है आप उसको इजीली अपने माइंड में कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत समय बच सकता है, बाकी आपका मन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है क्या, द एवरेज ऑफ 83 रिजल्ट इज 48.5, सॉरी फॉर दैट, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 59 इज 45.5 एंड दैट ऑफ द लास्ट 23। पहले तो दे रखा है 59 और लास्ट का दिया है 23, इसको ऐड कीजिए 9, 3, 12 और 5, 2, 7, 1, 8, 82 और टोटल नंबर है 83। यानी बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये शुरू का 59 और लास्ट का 23, ठीक है, यानी बीच का ये नंबर निकालना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका राइट आंसर करेंगे कमेंट, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा अपने प्रॉब्लम को, हम एट द टाइम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली आता है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट रिजल्ट इज 38, ये इज है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट इज 36 एंड दैट ऑफ द लास्ट 32 स्टूडेंट इज 32। सबसे पहले बात कि हम समझते हैं पैटर्न, पैटर्न है क्या, यहाँ बोला है टोटल स्टूडेंट 60 है, 60 स्टूडेंट है, और ये पहला 22 का बात कर रहा है, पहला 22 का बात कर रहा है और लास्ट 32 का बात कर रहा है, यानी ये तो कितना हो रहा है
ये 54 हो रहा है, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना है 60 है। तो देखिए यहाँ पर कुछ गैप ज्यादा है, पहले कितना का गैप था पिछला क्वेश्चन में, एक का गैप था, लेकिन यहाँ पर गैप कुछ ज्यादा दिख रहा है। ये बोल रहा है शुरू का 22 गो है, ठीक है, और लास्ट का 32 ले लिया, ये लास्ट से 32 ले लिया, तो जो बीच का जो गैप है कितना गैप है, 6 का गैप है, यानी जो 6 स्टूडेंट है इसके बीच में, इसके बारे में आपको बताना है। अब तो उसके बारे में बताना क्या है, द एवरेज रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, यानी इस 6 का आपको एवरेज बताना है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल जो मेथड हम जान रहे हैं डेविएशन मेथड उसी को लगाएंगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मेथड है। टोटल स्टूडेंट कितना है 60 है, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज है 38 इसका एवरेज है। ऑलराइट चलिए, तो यहां पे क्या है, फर्स्ट 22 है, फर्स्ट 22 का एवरेज कितना दे रखा है 36, और यहां पे कितना है, ये है आपका लास्ट का 32 है, इसका एवरेज दे रखा है 32। ओके कोई दिक्कत ना है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, साफ नहीं दिख रहा है, यस ये है 32। देखिए टोटल 60 स्टूडेंट है, सबका एवरेज कितना है 38 है, यानी हर एक का एवरेज रहा होगा 38 के बराबर, तभी तो इसका एवरेज 38 आया होगा। तो यानी जो लास्ट जो जो बीच में जो 6 स्टूडेंट है उनका भी एवरेज कितना रहा होगा, जो 6 स्टूडेंट है जो बीच में इनका भी एवरेज रहा होगा कितना रहा होगा, 38 ही रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयर, ठीक है, अब चलिए कंपेयर करते हैं, यस यहां से कंपेयर करेंगे, ये कितना कम है, ये माइनस का 2 कम है, और टोटल यहाँ पे कितना नंबर है 22, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से, ये कितना हो जाएगा माइनस का 44। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए यहां पे कंपेयर करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, यस इससे कंपेयर करेंगे तो ये कितना कम है, ये माइनस 6 कम है, टोटल नंबर कितना है 32 है, 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 × 12 हाथ में लगा 1 × 18 = 19, ये माइनस 192 हो गया। यहाँ है -44 और यहाँ है कितना -192, इस दोनों को एक साथ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 6 = 9 × 13 और 2, यानी -236। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, नंबर नहीं निकालना है, इस 6 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, ये टोटल नंबर है इसको 6 से डिवाइड करना होगा भाई, तो बस पहले तो आप नेट डिविजन 0 कीजिए, तो पहले इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें आपको ऐड करना होगा 236, यानी प्लस का 236 तो आपको ऐड करना ही करना है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 6 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे बोला गया है जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट हैं उसका एवरेज बताना है, नंबर नहीं बताना है आपको, एवरेज बताना है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका कितना 6 × 18 9 × 54 54.33 इसके पास जाएगा। ओके तो बस इसको ऐड कर लीजिए, 0.33 दिख रहा है यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको 0.33, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको ऐड कर लीजिए 0.33 हो जाएगा, 9 और 17 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 7, तो देख लीजिए आपका आंसर इजीली आ गया, काफी सिंपल है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है डेविएशन मेथड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत समय बचा देगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है CHSL 2019 का है, और इसी पैटर्न पे 2018 में आया हुआ था मेंस में क्वेश्चन, CGL मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आगे आते भी रहेगा। देखिए क्वेश्चन है क्या, द एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 36, 40 नंबर है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25, ठीक 25, एंड द नंबर इज 31, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 16 नंबर इज 43, टोटल नंबर यहाँ पे है कितना 40 है। पहले पैटर्न समझ लेते हैं, यहाँ कह रहा है पहला 25, यानी पहला 25 ले लिए और लास्ट का 16 ले लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11 और 3 × 4 = 41, लेकिन नंबर कितना है भाई, नंबर है 40 और यहाँ पे डाटा कितना दे दिया 41 दे दिया, यानी ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा है, तो शुरू का 25 ले लिया और ये लास्ट का 16 ले लिया, ठीक है, यानी यहाँ पर जो एक नंबर है ये कर रहा है ओवरलैप, यानी दो बार काउंट हो रहा है, यानी जो निकालना है आपको नंबर ये दो बार काउंट हो गया, ये तो शुरू बार में भी काउंट कर लिया और लास्ट बार में काउंट कर लिया, यानी ये जो नंबर है यही आपको फाइंड करना है। ओके देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है भाई, यहाँ पर रिपीटेड है, यहाँ पर ये रिपीटेड है, तो डेविएशन मेथड लगाएंगे
लेकिन हम नेट डेविएशन को जीरो नहीं करेंगे, बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। कितना है ये टोटल नंबर है 40, ठीक है 40 है। इसका एवरेज कितना दे रखा है, इसका एवरेज है 36 इसका एवरेज है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25, ये फर्स्ट 25 है 25, इसका एवरेज दे रखा है 31 है। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 16 नंबर, ये है आपका लास्ट 16 नंबर, ये है इसका एवरेज कितना दे रखा है 43। आपको निकालना क्या है 25th नंबर यानी 25वां नंबर आपको निकालना है। देखिए 40 नंबर है, इसका सबका एवरेज कितना दे रखा है 36, यानी हर एक नंबर 36 के बराबर रहा होगा, यानी जो 25वां नंबर है वो भी 36 के बराबर रहा होगा, बिल्कुल रहेगा। अब करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न अलग है, तो यहाँ पे नेट डेविएशन जीरो नहीं कर दीजिएगा, आप इसको बेसिक सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, बट टाइम टेकिंग होता है। चलिए तो ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, ये इससे कितना, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं है, तो माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, टोटल नंबर कितना है 25 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ये कितना हो जाएगा माइनस का 125, माइनस का 125, बस यहाँ पे माइनस का 125 लिख लीजिए। चलिए इससे इसको कंपेयर कीजिए, ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, ये है 4 और 3 7, ये प्लस का 7 है, और टोटल नंबर कितना है 16, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 112। तो इसमें आप सिंपली ऐड कर लीजिए 112, ठीक है, ये हो जाएगा 36, और इसका जो डिफरेंस है ये हो जाएगा माइनस का 13, यस 13 हो जाएगा। तो जो आपका जो राइट आंसर है ये इससे माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 23 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये CHSL भाई 2019 का क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पर बेस्ड 2018 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, यानी आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस आप इस पैटर्न को याद रखिएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से, आप यहीं पहुंचिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यस ये क्वेश्चन भाई काफी बार आ चुका है और काफी फेमस है, ये गलत टाइपिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वॉज 65, इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन wrongly entered as 83 instead of 38. The correct answer average is 50 छात्रों का किसी परीक्षा में औसत 65 थे, बाद में ऐसा पता चला कि एक छात्र का अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। काफी सिंपल है और इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लीजिएगा आप वेटेड एवरेज लगा के। टोटल स्टूडेंट कितना है 50 है, ठीक है, इसका पहले एवरेज दे रखा है 65, इसका एवरेज कितना दे रखा है 65। अब क्या हुआ है, नंबर जो सही था, जो करेक्ट जो नंबर था वो है 38, लेकिन ये भाई साहब क्या किए हैं 83 डाल दिए हैं, गलत है। तो इससे एक्स्ट्रा कितना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये एक्स्ट्रा इससे कितना है, ये एक्स्ट्रा है आपका कितना 13 में से 8 जाएगा तो 5 यानी 45, ये 45 एक्स्ट्रा डाल दिए हैं जिसको आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करिएगा, माइनस करिएगा तो एवरेज क्या होगा, घट जाएगा। आपको एग्जाम्पल दिए थे पिछले क्लास में शर्मा जी का फैमिली, उसमें बताए थे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए ये माइनस 45 अब करना होगा आपको, तो माइनस 45 जो है ये घाटा लगेगा। अब घाटा लगेगा किसको, सबको लगेगा घाटा, तो बस इसको डिवाइड कर लीजिए आप 50 से, और करना होगा आपको माइनस, यानी यहाँ जो आपको करना होगा, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, आपको यहाँ पे करना होगा माइनस 45 बाई 50। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी 65 माइनस 0.9 यानी 64.1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये काफी सिंपल है, अगर आप वेटेड एवरेज जान रहे हैं तो ये काफी सिंपल है, तो कमाल कर देता है वेटेड एवरेज, और ये आपको समझना ही पड़ेगा। हम काफी इजीली समझाए हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल देकर समझाए हैं, आप जरूर उस क्लास को अटेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑन ए टेस्ट इज 69, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58। ये तो गड़बड़ है, 58 नंबर था, ये दे कितना दिया है 88 नंबर दे दिया है, तो एक्स्ट्रा कितना दिया है, ये एक्स्ट्रा दे दिया है 30 नंबर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा दे दिया है कितना नंबर 30 नंबर दे दिया है। और टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, टोटल स्टूडेंट 30 दे रखा है,
30 छात्र स्टूडेंट है तो बस 30 से इसको डिवाइड कीजिए और जो आपका जो फाइनल जो एवरेज है ये एक्स्ट्रा है ना तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 1, यानी जो आपका एवरेज है 69 इससे घटा लीजिए 68 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो देख सकते हैं 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो वेटेड एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें बेसिक मेथड से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट वॉज फाउंड टू बी 68। 40 स्टूडेंट है इसका एवरेज दे रखा है 68। इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर इनकरेक्टली इंटर्ड एज 48 एंड 64 इंस्टीड ऑफ 84 एंड 46 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द करेक्ट। चलिए ये 40 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज दे रखा है 68, ये इसका एवरेज है। अब हुआ क्या है, जो सही जो नंबर है 84 और 46 इसके जगह पे डाल कितना दिया था 48 और 64, ठीक है, ये गलत नंबर है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो यहां पर देखिए इसका ले लीजिए सम, ये कितना हो जाएगा 6 × 10 और 130 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 12 और 6 × 10 यानी 102 हो जाएगा, 102 कितना हो जाएगा 6 × 10 = 11 112 हो जाएगा, सॉरी 112, ये गलत है, ये डाल दिया गया था इतना, ठीक है, इतना डाल दिया गया था आपको, लेकिन डालना कितना था, इतना डालना था, यानी आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा यानी एवरेज में ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, ये इससे कितना का डिफरेंस है, ये 18 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस कितना बढ़ना पड़ेगा भाई, इतना डाल दिया था लेकिन था ओरिजिनल में कितना होना, कितना चाहिए था 130 होना चाहिए था, ये 112 डाला था, तो कम कितना डाला है 18 कम डाला है, तो हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे तो सब में इक्वल इक्वल बांटेंगे, जब केक कटेगा तो सब में इक्वल बटेगा, तो बस 40 से डिवाइड कीजिए, 40 से उसको डिवाइड कीजिए, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 18/40, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, यस 18/40 इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 20, यानी इसको पॉइंट से करेंगे तो ये डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 20 × 80 और 20 × 25 100 यानी 0.45, पॉइंट कितना हो जाएगा 45, तो बस 68 में आपको 0.45 ऐड करना है, ये 68.45 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो क्या काफी इजीली सॉल्व हो जा रहा है और इस तरह क्वेश्चन हमेशा आता रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या है, यस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 100 नंबर इज 63 बट इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर 37 एंड 76 आर मिस्टेकली कैलकुलेटेड एज 73 एंड 67 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द करेक्ट एवरेज इफ इट वॉज फाउंड दैट टोटल नंबर आर ओनली 90। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहले बोला कि 100 नंबर है इसका एवरेज दे दिया है, इसके बाद बोला है कुछ गलत हुआ है बीच में, अब फिर बाद में बोला है नहीं नहीं ये 100 नंबर नहीं था ये 90 नंबर था, यानी आपको जो एवरेज निकालना है ये 90 नंबर पर निकालना है, कब इस सबको साथ में सॉल्व करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात, ये जो गलती हुआ है, जो सही था वो नंबर क्या था, ये आपका सही नंबर है 37 और 76, ये सही नंबर था, ये डाल कितना दिए हैं, ये डाल दिए हैं 73 और 67, ये गलत डाल दिए हैं, इसका बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा इसको ऐड कीजिएगा तो 7 × 13 और 7 × 10 = 113 है, तो इसका कितना है 7 × 10 और 7 × 13 = 114, ठीक है 140, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है, ये हो जाएगा आपका कितना 27 हो जाएगा 27, यानी इसका सम निकाल के 27 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 113 ही नंबर था लेकिन डाल कितना दिया 140, ये तो नंबर बढ़ा दिया है, तो बढ़ा दिया तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टोटल कितना नंबर है 100, इस 100 का एवरेज कितना दे रखा है 63 दे रखा है, सिंपल सी बात है। चलिए अब ये 27 एक्स्ट्रा दे दिया है तो माइनस कर लीजिए, ये सम निकल गया, माइनस कीजिए 27, अब पहले नंबर था 100 लेकिन अब क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं अब 90 है, यानी 90 पर आपको एवरेज निकालना होगा, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 963, ये एक जीरो से इसको काटेगा और ये कट जाएगा कितना 963 7, यानी 70 यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 27/90 करते हैं तो हो जाएगा कितना 9 × 3 = 27 और 10, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3, 70 माइनस 0.3 यानी कि 69.7 आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आप मेथड जानते हैं तो इजीली सॉल्व हो सकता है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यस, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं और ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे फिक्स पैटर्न पे हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कुछ आपको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जितने भी पैटर्न हैं वो सब कुछ आपको हम बताएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।